तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे हिसाब से सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेंगे। तो हाय गाइस, मैं हूँ हर्ष और आप लोग देख रहे हैं प्राइम फुल गेमर। तो चलिए गाइस, बात करते हैं साइको गेम की। जो साइको गेम 28 अप्रैल को लॉन्च हो गया था, आप सभी ने गेमर्स को बहुत उम्मीद थी। हालांकि इसके गेम के ग्राफिक बहुत बढ़िया थे, लेकिन ये थोड़ा सा लैग और ग्लिच कर रहा था। तो साइको वालों ने इसे 3 या 4 घंटा बाद वापस ले लिया। आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, इस गेम को देखेंगे तो ये गेम वापस नहीं मिलेगा। तो क्या साइको गेम दोबारा से इसके लैग ग्लीचेज और जो भी इसमें खराबियां परेशानियां आई थी, क्या सब ठीक करके साइको वाले दोबारा इसको देंगे। तो चलिए गाइस, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। देखिए, तो साइको गेम की बात कर ली जाए तो साइको गेम एक बैटल रॉयल मोड गेम था, जो कि जिसका टीडीएम मैप बाद में लॉन्च होता, लेकिन इसका लॉन्च कर दिया गया 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को ये हमारे कंट्री के साथ साथ 118 कंट्रीज में लॉन्च किया गया था इसका बेटा वर्जन टेस्टिंग के लिए। इसका बेटा वर्जन कुछ रीज़न में अवेलेबल नहीं था। आप लोग जान रहे होंगे कि कुछ रीज़न में पहले इसका बेटा वर्जन अवेलेबल नहीं था साइको वाले में। साइको गेम आपको आते ही 50,000 से ज़्यादा इसको सिर्फ 4 घंटा में डाउनलोड मिल गए थे। साइको गेम लगभग 546 MB का आया था, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग डाउनलोड करके खेले ही होंगे। तो बात कर ली जाए तो इस गेम में तो सबसे बड़ी बात, गेम लो एंड डिवाइसेस में नहीं चला, बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। जिनके पास 6 GB रैम है उन्हीं में मोबाइल में थोड़ा सा अच्छे से चला, उनके मोबाइल में भी लैग और ग्लीचेस देखने को मिल रहा था। लेकिन जिनके पास लो एंड डिवाइसेस है, मतलब 2 GB 3 GB 4 GB रैम तक के मोबाइल में ये सही से नहीं चला, तो बहुत सारे ग्लैच और ग्लीचेस थे। तो सभी ने अपना फीडबैक भेजा, मैंने भी अपना लंबा चौड़ा फीडबैक भेजा था। तो फीडबैक को देखते हुए तो साइको के डेवलपर द्वारा, खुद ही साइको के डेवलपर ने कहा कि वी हैव टेकन ऑल द फीडबैक, सीन द फीडबैक, वी विल लॉन्च द गेम सून। तो साइको वाले फिर से उस गेम को लॉन्च कर, मैं आपको दिखाई देता हूँ स्क्रीन पर क्या उनके डेवलपर ने कहा। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि उनके डेवलपर कृतिक कुमार शर्मा, सॉरी फॉर द टर्म्स कंजीक्यूटिव फिंग। तो देखो, बात ये है, बेटा प्रोग्राम वॉज फिगरिंग आउट ग्लिचेस एंड बग्स, हमें उसकी लिस्ट मिल चुकी है। अब गेम कुछ दिनों बाद ब्लॉक और ग्लिचेस करके आएगा, रीडिजाइन कर फीचर के साथ आएगा। थैंक यू, लव यू ऑल। तो इसका सर्वर अब ऑफ कर दिया जाएगा, आप लोग देख ही रहे हैं, इस गेम का सर्वर ऑफ कर दिया जाएगा बेटा प्रोग्राम के लिए, और गेम वापस प्री रजिस्ट्रेशन दिखाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन तो दिखा नहीं रहा है प्ले स्टोर में, आप लोग जान ही रहे होंगे, गेम को वापस ही ले लिया गया है। अब बात कर लीजिए गेम कब तक आएगा, मतलब गेम आपको साइको गेम कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से साइको गेम देखने को मिलेगा लगभग अगस्त या फिर आपको जुलाई में, क्योंकि उससे पहले नहीं आने वाला। तो क्या साइको गेम टीडीएम मैप के सहित आएगा, तो मैं बात कर लूँ, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, वो भी फिर से ऐसे ही बैटल रॉयल मोड देगा। टीडीएम मैप बाद में आएगा, उनके पास उतना बजट नहीं हुआ और टीडीएम निकाल दी, क्योंकि वो साइको गेम जानते हैं हम लोग, छोटी मोटी कम्युनिटी का गेम है, इंडियन कम्युनिटी में छोटी मोटी, तो इसको ज़्यादा किसी का सपोर्ट मिला नहीं है कि या फिर ये नया गेम, मतलब बेहतर गेम लॉन्च कर दे टीडीएम मैप के साथ। टीडीएम मैप इन लोगों के लिए थोड़ा सा हैप्पी प्राइस मिल रहा है, मतलब कि काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है इन लोगों के लिए वो सिस्टम जो टीडीएम वाला, इन्होंने खुद ही अपने इंटरव्यू में कहा था। तो बात कर लीजिए दूसरे गेम की, जैसे वैक्स मोबाइल रफ फिश, तो मैं उन सारे गेम्स की डिटेल और कब तक वो गेम आने वाले मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये सब गेम कम आने वाले, इंडियन गेम जैसे कि रफ फिश और वैक्स मोबाइल, ये सब